पानी मिल जाएगा तो मैं लेकिन यार कमिटमेंट है कि मोटे के ऊपर चलाना ही चलाना किसी आज मोटा कालू बोलते हैं काले वाले कालू देखा शायद उसको कुछ हल मस्क दिया होगा इतने गौर से बहुत देर से देखा है हैं वो उधर दो खच्चर बहुत प्यारे प्यारे चल रहा है और ये ऊपर पहुंच गया मंदिर जो हल्का धुंधला धुंधला दिखा रहा है वो ऊपर रास्ता दिखाई दे रहा है आगे यहाँ थोड़ा ऑक्सीजन कम रहता है ना जो 4000 मीटर के ऊपर है ये चंद्रशिला कम रहता है तो सबकी सांस फूलती है यहाँ पे तो वो टॉप 100 मीटर वो काफ़ी टॉप है तो गाइज अभी मैं हूँ चौपता में और बारिश हो रही बहुत तेज तो अभी हमारा जो टूर है वो चल रहा है बाबा तुंगनाथ तृतीय केदार तो गाइज आदि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग तो स्टार्ट करते हैं ट्रैक चौपता से तुंगनाथ का पहले वाला आपने देख लिया होगा सगर से चौपता तक नेक्स्ट है हमारा तुंगनाथ से लेके चौपता से लेके तुंगनाथ और चंद्रशिला आज हम शायद ये सब कुछ कवर कर लेंगे मैं छाता भी ओढ़ा हुआ है गोप्रो के प्रोटेक्शन के लिए और इसलिए मैंने डंडा नहीं लिया हुआ अभी तो इसी आशा में हम लोग जा रहे हैं कि आसानी से दर्शन हो जाएंगे लेकिन बारिश हो रही है तो थोड़ा अपना सिचुएशन अभी थोड़ा चेंज हो चुका है आपको बताता हूँ कि चौपता से लेके जो डिस्टेंस है रुद्रप्रयाग से करीब 55 किलोमीटर है और हरिद्वार से डिस्टेंस आपको पड़ेगी करीब 150 किलोमीटर तो वहाँ से आप आ सकते हैं डायरेक्ट ऊखीमठ बस से फिर उसके बाद सही टैक्सी से आप यहाँ तक आ सकते हैं ये मतलब ऐसा वरना आपको कैब बुक करनी पड़ेगी अपने लिए यहाँ आने के लिए तो अभी सी लेवल से हमें 3200 मीटर और हम लोग जा रहे हैं 4000 मीटर में यानी कि हम लोग कोशिश करेंगे कि तुंगनाथ के साथ साथ चंद्रशिला का भी हम लोग ट्रैक कर लें आज के दिन में और अभी वापस भी लौट के आ जाए जो ट्रैक की डिस्टेंस है वो करीब 5 से 6 किलोमीटर है टोटल चंद्रशिला तक तो मे बी अभी सुबह के करीब बज जाए 8:30 तो हम करीब 4 घंटे तक ऊपर पहुंच जाएंगे और 2 घंटे हमको उतरने में लगेंगे ये मेरा एस्टिमेटेड टाइम है लेकिन ये जो ढोलू है ना यहाँ पे खड़ा हुआ ये ढोलू जो आ रही तो ये ढोलू मुझे लगता है कि रुद्रनाथ में भी हमको देर करी और यहाँ भी देर करेगा यूँ ऊपर को पानी मिल जाएगा तुम्हें पीने के लिए बोतल कहाँ है बैग के किनारे छोड़ा है मोटे की हालत खराब होते हुए लेकिन यार कमिटमेंट है कि मोटे को ऊपर चढ़ाना ही चढ़ाना किसी आज मोटा ऊपर चढ़ेगा हाँ चंद्रशिला तक जाएगा पूरा ठीक है क्या बोला क्या बनना है तुमको लखनऊ जाके हाँ अपनी हेल्थ पे ध्यान देगा हाँ हमें इन्ना नगर का हाँ अर्नॉल्ड शिवाजी नगर बनेगा अच्छा जो जो बनो भैया तुम ये भाई लोग भी आए हैं लखनऊ से ही हेलो ये सब आए हैं लखनऊ मेरा वाला तो वो दे इनके दोस्त हैं बचपन के गोप्रो तो दे मेरा वाला मेरा गोप्रो वहाँ बैग में रखा हुआ छाता कर दिया बंद पंचो हटा दिया उसे पिए पहना हुआ है पर ताकि ठंड से बचने के लिए पंचो की वजह से गर्मी शरीर में बहुत हो गई थी अंदर पूरा सपोकेशन हो गया था मतलब तो अब थोड़ा व्यू मिला है हल्का का बुगियाल साथ में ऊपर बादलों का नज़ारा हमारा हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ पहुँच गया मोटू भी हमारा चल रहा है चौड़े होके हाँ अम्ब्रेला ब्लू अम्ब्रेला के साथ साथ हो रहा है ब्लॉक टूर हल्के की बारिश और इस मोटे ने मेरे को रुला के रखा हुआ है ट्रैक पर क्योंकि ये चल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी ए मैं चल रहा हूँ भाई चल रहा है मतलब ऐसा चल रहा है कि वो गणेश होता ना पहाड़ में वो भी इससे पहले पहुँच जाए तो ऐसा कुछ है नज़ारा अभी जो हम लोगों ने करीब 2.5 किलोमीटर पूरा कर लिया और ये है व्यू
सारे बादल नीचे और हम उन बादलों से ऊपर। जो धुंधले में वो इंसान सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहन के खड़ा है, हाथ ला रहा है बहुत जोर जोर से, इसकी वजह से मैं हूँ पूरा 2 घंटे लेट, वरना अभी तक मुझे चंद्रशिला पीक पहुँचना चाहिए था। अब क्या कह रहे हैं, फटाफट ढोल लिया है तो बजाना पड़ेगा उसको, तो वही चल रहा है फिलहाल। और आज तो हमारी सांस भी नहीं फूल ली है, हैं ऐसा क्यों? पत्थर देख रहे हो तो रोड बना के रखी हुई पूरी, बाइक आ जाएगी इसमें आराम से। कालू आज हमारे साथ सफेद रंग का कुत्ता है, तो इसको हम क्या बोले, लाल वाले को लालू बोलते हैं, काले वाले को कालू। तुम बताओ अपना नाम भाई। पता नहीं क्या देख रहा, शायद उसको कुछ हलचल दिखी हुई है जंगल में, या तो मोनाल कोई बर्ड होगी, या तो कहीं पे हिमालयन थार होगा, या कोई मस्क डियर होगा। इतने गौर से बहुत देर से देखा है। हाथी पहाड़ चढ़ गया है तो ये यहाँ पहुँच गया। दिव्यांश यहाँ सस्ता रहा है बुग्याल में, वो उधर 2 खच्चर बहुत प्यारे प्यारे चढ़ रहे हैं। वो खच्चर के ऊपर से एक छोटा सा मोनाल है, देखो मोनाल वहाँ पर चल रहा है। और ये ऊपर पहुंच गया मंदिर, जो हल्का धुंधला दिखा रहा है वो मंदिर है। लेकिन मुझे आज एक खुशी है ना, कि कल रुद्रनाथ ट्रैक करने के बाद मेरी आज सांस बिल्कुल नहीं फूली है, मतलब बहुत कम। जबकि 4000 मीटर में हम लोग पहुंचने वाले हैं 3300 पे, और ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ मौसम भी अच्छा है, चारों ओर कोहरा लगा हुआ है, धुंध छाई हुई है मतलब, तो उसके वजह से थोड़ा व्यू अच्छा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मंदिर हम लोग पहुँच गए ऊपर टॉप में। ये घंटी आवाज सुनाई दे रही है आपको? तो पहली बार मैं जितनी शॉप है ना यहाँ पे, ये पहली बार मैं शॉप खुली हुई देख रहा हूँ, समझ में आई बात? मैं यहाँ से जब भी आया तुंगनाथ हमेशा कपाट बंद थे, ओके हमेशा विंटर में आता था, लेकिन आज मैं आया हूँ सावन के महीने में। तो देखिए कितना खूबसूरत है आज का व्यू। तो आज कपाट भी खुले मिलेंगे, आज दर्शन भी हो जाएंगे, वो ऊपर है मंदिर टॉप में। मुझे आज ही वो पिछला वाला ब्लॉग याद आ रहा था, मैं यहाँ पर ये सब दुकानें दिखी नहीं रही थी, इतनी बर्फ़ थी। हम लोग उस साइड से बुग्याल से ऊपर चले थे, वाला भैया ब्लॉग देखना आप, बर्फ़ वाला कितना तगड़ा है, 8 फीट बर्फ़ थी यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट हम इस मोटे को ऊपर चढ़ा ही दिया मैंने, डंडा इधर गाय हाँकनी पड़ती ना, वैसे इस मोटे को हाँक रहा हूँ मैं आज। तो यहाँ पे है आकाश कुंड यूँ, और ऐसी कुछ शॉप टेम्पल। जब हम प्रीवियस इसमें आए थे तो गेट इस साइड से था, लेकिन यार गेट शायद इस साइड से आ गया है, तो हम यहाँ से जाते हैं। ये रास्ता डायरेक्ट चंद्रशिला भी जाएगा, अभी हमारे पास टाइम होगा तो हम चंद्रशिला भी जाएंगे। तो इसे ब्लॉग पूरा देखना तुंगनाथ के बाद भी, क्योंकि वो समिट है और उसकी कहानी हम आपको चंद्रशिला पहुँचने के बाद बताएंगे। तो जय बाबा तुंगनाथ तिथि केदार, हम लोग आखिरकार पहुँच गए। तो आप देख ही रहे हैं भीड़ कितनी है, दो पंच के दाने की लिस्ट की है, सबसे पहले केदारनाथ जी, फिर मधमेश्वर, फिर तुंगनाथ बाबा, रुद्रनाथ बाबा, कल्पेश्वर, 3 केदारनाथ आपको दिखा दिए, 2 और बचे हैं दिखाने के लिए बस। और लाइन बहुत लंबी लगी है तो लाइन से लग जाते हैं। महादेव जाने जाते हैं, तुंग का मतलब ऊंचाई से है, यहाँ की ऊंचाई 12.5 फीट है,
ये मंदिर पांडवों के मोक्ष काल में उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव जी पांडवों को संपूर्ण शरीर का दर्शन देना नहीं चाहते थे, गोत्र और ब्रह्म त्यादोष होने के कारण भगवान शिव ने केदारनाथ में माया विभेद का रूप धारण किया। जैसे ही पांडव लोग उनको पहचान गए, भगवान शिव जी उस भैंसे के रूप में जमीन में धस गए, उनके पृष्ठ भाग को पांडवों ने स्पर्श कर लिया, वहीं पे उनको आकाशवाणी हुई कि आप लोगों ने मेरे को स्पर्श कर लिया है, आपको मोक्ष हो जाएगा। इस केदार खंड में मेरे पांच स्वरूप के लिंग उत्पन्न हो गए हैं, आप इनका दर्शन पूजन करो तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। चल ठीक है। तो पहले केदारनाथ जी में भगवान का पृष्ठ भाग का लिंग है, दूसरे मध्वेश्वर में भगवान शिव का नाभि भाग का लिंग है, तीसरे यहाँ पे भगवान तुंगनाथ जी, तृतीय केदारनाथ के रूप में हृदय और बाहु रूप का लिंग, इधर चौथे रुद्रनाथ जी में भगवान का मुखमंडल का लिंग है, पांचवे कल्पेश्वर में भगवान की जटा के स्वरूप का लिंग है, इस तरह से पांच केदार यहाँ पे उत्तराखंड हिमालय में स्थापित है, और एक केदारनाथ चार मुख भगवान के नेपाल में है, पशुपतिनाथ नेपाल, वो भी केदार के ही मोह। तो मेरे आप ठीक पीछे देख रहे हैं, यह है तिथि केदार तुंगनाथ, जो भगवान शिव का सबसे हाईएस्ट टेंपल है। सबसे पहले देव पूजा होती है केदारनाथ में, और फिर मध्यसर में, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ, फिर कल्पेश्वर। जब यहाँ के कपाट बंद जाते हैं तो मक्खूमठ इनकी डोरी चल जाती है, फिर छः महीने पूजा मक्खूमठ में होती है नीचे, चौथा थोड़ा नीचे। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ऊपर चन्नशिला टॉप पर, तो फिलहाल हमारा वहाँ जाने का प्लान है। तो मैं सोचता हूँ कि आप ब्लॉग पूरा देखना, चन्नशिला काफ़ी अच्छा है और उसकी कहानी आपको जाके बताता हूँ ऊपर जाके। तो थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अभी वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। तो मौसम हो गया कुछ ऐसा, हमारा ढोलू आ गया था जैसे जैसे ऊपर मंदिर तक, अभी से चन्नशिला भी लेके जा रहे हैं। तो नीचे देखो पूरा कोहरा छाया हुआ है, पूरे बादल नीचे हैं, हम लोग ऊपर हैं। तो अब जा रहे हैं चन्नशिला की ओर, तुंगनाथ भगवान के टेंपल से इसकी जो डिस्टेंस है वह है सिर्फ 1 किलोमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर जो है वो काफ़ी स्टीप है, तो उसे कवर करने में पूरा आधा एक घंटा लगता ही लगता है। तो मैं ले रहा हूँ ये शॉर्ट रास्ता, अगर आपको कंफर्टेबल रहता है तो आप आलस से आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा है, इधर से मैं डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाऊँगा जहाँ भीड़ खड़ी है। तो मैं शॉर्ट रास्ता ले रहा हूँ, ये रास्ता आसान है थोड़ा, मतलब ऐसा शॉर्ट में इसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं पड़ती, मिट्टी मिट्टी का रास्ता है, तो आप आराम से इसमें चल सकते हैं। ये सामने वाला पहाड़ देख रहे हो आप, ये है रावण शिला, यहाँ पे रावण ने वो किया था, तपस्या की थी, ऐसा मतलब कोई मुझे बोला था। तो कोहरा इतना खतरनाक है ना कि ऊपर तक पीक दिखाई नहीं दे रही है। हम यही ट्रेल पार करके इस वाला पत्थर के नीचे तुंगनाथ टेंपल है, ये ट्रेल हम पार करके ऐसे आ गए। हमारा भाई रेस्ट ले रहा, रेस्ट अभी सही चल गया। हाँ बहुत सही चलेगा आज। आओ आगे सीधा सीधा रास्ता है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी चल रही है ना साथ साथ में, हाँ हल्की की बारिश की बूंदें भी चलनी साथ साथ में, तो इसलिए अम्ब्रेला में रखा हुआ है। इस अम्ब्रेला का आज बड़ा फ़ायदा मिला हुआ है मेरे को, क्योंकि ना अगर पंचो पहनना हो तो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। ऊपर चन्नशिला है, आप देख रहे हो मेरे पीछे टॉप पे, मत थोड़ा जाना है, फसियों का इंतजार कर रहा हूँ वो आ जाएगा। तो अभी थोड़ा व्यू खुलने लग गया हल्का हल्का, मोस्टली एक बार ये वाला जो कोहरा छट जाएगा अगर, तो फिर उनको व्यू अच्छा मिल जाएगा ऊपर से, तो शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। नज़ारा चारों ओर का ये देखो, क्या खूबसूरत नज़ारा है,
द बेस्ट व्यू कम फ्रॉम द हाइडेस्ट क्लाइम। ये नीचे देखो, ये देखो खूबसूरत व्यू है। ऐसा व्यू करने के लिए, लेने के लिए मेरे को करनी पड़ी है बहुत ज़्यादा मेहनत। मैं अभी चंदेसिला पहुँचा नहीं हूँ, मात्र 10 मीटर दूर है मंदिर मेरे से। तो देखो इतनी मेहनत की है, तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है भाई। फैला दो आग की तरह इस ब्लॉग को। तो पहुँच गए भैया हम श्री चंद्रदेव के मंदिर में, गंगा धाम बोलते हैं इसको। यहाँ पर चल रही हवा बहुत तेज, ठंडा बहुत है, नज़ारा तो आप देख ही रहे हो। सब हम पूजा करते हैं फिर आपको और व्यू दिखाते हैं नीचे। तो अभी हम लोग हैं चंद्रशिला पे, जहाँ पे चंद्र भगवान ने किया था तप अपने शारीरिक दूर करने के लिए। वो नीचे है रामशिला, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने किया था, जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं और एक झंडा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने तप किया था ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, ज़बरदस्त वाला। कैसा लगा यहाँ पहुँच के? आज तो सबमिट किया हुआ, अमेजिंग पक्का। कैसा फील कर रहे हो तुम अभी? आज मैं ऊपर आसमान नीचे है पॉसिबल। वो नीचे देखिए चौपता देख रहे हैं आप, कैंप नीचे बहुत सारे, उतने सारे जो मकान दिखाई दे रहे हैं वो चौपता। और नीचे को खाई देखो ना आप, कितनी भयंकर है। आप सोच सकते हो चंद्रशिला के टॉप पर कभी इतनी भीड़ होगी? और आज ये मोटा इंसान भी यहाँ पहुँच गया है। आज तो अपने ऊपर गर्व होगा। गर्व है मोटा हमेशा से रहा है। अच्छा, हमेशा से रहा है, चाहे कुछ करूँ चाहे ना। आप देखो कितनी भीड़ है, पीक में कुछ देर बाद बैठने के जगह ही नहीं होगी। तो इसी के साथ बारिश दोबारा स्टार्ट हुई, फिर छाता उड़नी पड़ी और चंद्रशिला और तुंगनाथ का हो गया ट्रैक पूरा। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। तब तक ले जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।